एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि कौन सी स्त्री के साथ विवाह करने वाला व्यक्ति जीवन भर पछताता रहता है, कष्ट भोगता रहता है, दुख में जीवन व्यतीत करता है, और कौन सी स्त्री, कौन से लक्षणों वाली स्त्री, कैसे चिन्हों वाली स्त्री जीवन भर अपने परिवार को स्वर्ग बना देती है। तो आइए श्रोताओं, आप सभी का YouTube चैनल की अद्भुत प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपकी सेवा में बहुत ही ज्ञानवर्धक और शानदार वीडियो लेकर के उपस्थित हूं, तो अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आइए मैं वीडियो आरंभ कर रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, एक प्रसिद्ध नगरी थी चंपकपुरी, और उस चंपकपुरी में एक तमरध्वज नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा तमरध्वज बड़े प्रतापी थे, ईश्वर के भक्त थे, प्रजापालक थे। प्रजा का हित राजा का सबसे पहला काम था। अब एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया। राजा मन में विचार करने लगा कि आज मुझे आखेत के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध नंदन नामक वन था और उस वन में से महाराज के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर के शिकायत की कि हे राजन, इस नंदन वन में एक राक्षस रहता है और वो राक्षस प्रतिदिन ऋषि और मुनियों का आहार करता है। ये बात जब राजा ने सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो, और आज हम आखेट के लिए नंदन वन में जाएंगे, और यदि हमें वो राक्षस मिला तो आज हम उसे मृत्यु दंड देंगे। देखिए श्रोताओं, राजा के सेवकों ने वायु के वेग से चलने वाला सुंदर श्वेत वर्ण का एक घोड़ा जीन कस करके तैयार कर दिया, और महाराज तमरध्वज उस घोड़े पर सवार हो गए, और घोड़े पर सवार होकर के आखेट करने के लिए नंदन वन की तरफ चल देते हैं। अब ध्यान से सुनने की बात है, उस नंदन नामक वन में राक्षसी रहा करती थी। एक अद्भुत दृष्टासुर नामक दैत्य था, और दृष्टासुर नामक दैत्य की एक पुत्री थी। पुत्री अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी, क्योंकि दृष्टासुर के हाथ पैर नहीं थे तो वो एक गुफा में रहा करता था, और उस गुफा में जो लड़की थी उसकी यात्रियों को बहाना बनाकर उनसे शादी की कहती, सुंदर रूप धारण करके उनके पास आती और उन्हें शादी के बहाने में कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूं, और वहां उनको लेकर के जाती तब तक रात्रि हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा से प्रवेश करता तो दूर बैठा हुआ विशालकाय राक्षस दिख जाता था। रात्रि का फायदा उठा करके उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाती, सकरे मार्ग से निकालती, और वहीं उसका पिता और वे दोनों मिलकर के उस यात्री का भोजन बना लेते थे। ऐसे ही उसको बहुत समय व्यतीत हो गया, और महाराज तमरध्वज किस्मत से उसी वन में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें जाना था, जान पूछ करके उस वन में प्रवेश किया कि मुझे उस राक्षस को मारना है। अब देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि महाराज तमरध्वज ने प्रवेश किया और दृष्टासुर नामक दैत्य को मानव की खुशबू आई और अपनी पुत्री से बोला, बेटी देखिए कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्रता से जाओ, मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलेगा, कोई जवान, कोई तरोताजा व्यक्ति इस मार्ग से निकल के जा रहा है। जब दाने की पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो वहां से सुंदर रूप बनाया, अपने रूप को बदला, मायावी वेश धारण किया, और जैसे इंद्र की अप्सरा हो इतनी परम सुंदर बन गई, जिसको देखकर के स्वयं कामदेव भी उस पर आसक्त हो जाएं। इतनी परम सुंदरी, 16 श्रृंगार किए और बड़ी मतवाली चाल चलती हुई वन की तरफ चली जा रही है।
देख लिया दूर से कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े का सवार है और देखने में कोई राजा लग रहा है, परंतु राजा को इस तरीके से फंसाऊंगी कि इसे कोई पता ही नहीं चल पाएगा। अब वहीं उसी वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध और उसकी पत्नी दोनों निवास किया करते थे। गिद्ध उस राक्षसी की सभी गतिविधियों को देखता रहता था कि राक्षसी आखिरकार क्या कर रही है। गिद्ध बेचारा उनको यात्रियों को बचाने की कोशिश भी करता था, परंतु कुछ लोग गिद्ध की बात नहीं मानते थे। देखिए श्रोताओं, जब वह स्त्री आगे चली और महाराज तमरध्वज चले जा रहे हैं अपने घोड़े को लेकर के उस वन में, दुर्भाग्य से उन्हें कोई आखेट तो मिला नहीं और उस वन में और आगे बढ़ गई। और जब कुछ आगे बढ़े तो वही दाने की पुत्री, उस राक्षस की पुत्री उन्हें वहां खड़ी मिल जाती है। और जब राजा का ध्यान एकदम उस राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री पर गया तो कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? यहां क्यों भटक रही हो? यहां तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा हो जाएगा। तो वो लड़की क्या बोली कि हे महाराज, मुझे तुम किसी देश के राजा दिखाई देते हैं और मैं मेरे एक ऋषि पिता के साथ, मैं एक ऋषि की पुत्री हूं, मेरे पिता इस वन में भजन करते हैं, एक गुफा में रहते हैं, वहां बड़े आराम से ईश्वर की आराधना करते हैं। मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर सा पति देख करके आओ। मेरे पिता के आज्ञा अनुसार मैं इस वन में चली आई। मैंने देखा कि यहां बूढ़े बूढ़े ऋषि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूं, इसलिए उन्हें पति नहीं चुन सकती। परंतु हे राजन, मैं आपके रूप और सौंदर्य को देख करके ये जान चुकी हूं कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, तो क्या आप मेरा परिणय निवेदन स्वीकार करोगे? देखिए श्रोताओं, को न याति बसम लोके, यानी ऐसा इस दुनिया में कौन है जो नारी की चाल से बस में नहीं हो जाता। नारी के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, नारद जैसे फंस गए, तो उसी नारी ने अपने प्रेम का धागा महाराज तमरध्वज पर डाल दिया। महाराज तमरध्वज बोले, अवश्य सुंदरी, यदि तुम मुझे पति के रूप में चुनना चाहती हैं, तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम्हारे पिता कहां हैं? कहने लगी कि देखिए महाराज, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वो इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में हैं, इसलिए हे महाराज, आपको दो घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। राजा कहने लगे, दो घड़ी तो क्या, तुम्हारे लिए तो मैं जीवन भर इसी स्थान पर खड़ा रह सकता हूं। मुझे तुम जैसी सुंदरी मिल जाए तो मेरा रनवास महक उठेगा। राजा तमरध्वज उस राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। अब देखिए श्रोताओं, वो राक्षसी कहने लगी कि राजन, मैं देखिए इस मार्ग से जा रही हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है, उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं, तुम मेरे पिता की गुफा की तरफ आ जाना, मैं तुम्हें निमंत्रण देकर के जा रही हूं। और इतना कहकर के वो सुंदर बनी हुई दुष्ट राक्षसी तो वहां से गायब हो गई और महाराज तमरध्वज के मन में प्रेम जागृत हो गया। तड़फड़ाने लगे उस स्त्री को पाने के लिए और सोचने लगे कि दो घड़ी का समय कब निकले ताकि मैं उस स्त्री को प्राप्त कर सकूं, उसके पिता के पास पहुंचूं। यह विचार कर रहा है और वहीं वृक्ष पर बैठा हुआ बूढ़ा गिद्ध उस राजा की यह हालत देख रहा है। बूढ़ा गिद्ध राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे आप कोई बड़े विद्वान, तेजस्वी और धार्मिक राजा दिखाई देते हैं। राजा कहने लगा कि हां पक्षीराज, तुमने मुझे सही पहचाना, परंतु राजन, तुम जो काम करने जा रहे हो वो सर्वथा गलत है।
ये बात सुनकर के राजा कहने लगे कि पक्षीराज क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई? कि नहीं राजन, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई, तुम्हें उस स्त्री के जाति गोत्र पिता और कुल खानदान का कुछ पता है? कि नहीं राजन, नहीं नहीं गिद्धराज, मुझे कोई पता नहीं है। हे राजन, जिस स्त्री के कुल खानदान का कोई पता ना हो तो उस स्त्री के मोह पास में पड़ना उस पतंगे के समान है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देख करके उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और उसमें जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देता है। हे राजन, जैसे अथाह बहते हुए जल में जिस जल की गहराई का कोई पता ना हो, ऐसे जल में कूद करके नहाने वाला व्यक्ति जितना मूर्ख होता है उतना ही मूर्ख वो व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। कि राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह कर रहे हो, क्या वो स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है, उसके समान सुशील है, उसके समान चतुर है? अब तो राजा को कुछ और गिद्ध की बातों में इंटरेस्ट आया। कहने लगे कि आखिरकार गिद्धराज, तुम ये क्या कह रहे हो, ये सौदागर की पत्नी कौन थी, मैं जानना चाहता हूं। गिद्ध कहने लगी कि देखिए महाराज, मैं आपको ये कथा दो घड़ी बाद सुनाऊंगा, अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनाना अच्छा नहीं रहता, मैं आपको शाम को सुनाऊंगा। अब राजा दो संकटों में फंस गया, एक तो उस दाने की पुत्री का वायदा था दो घड़ी बाद, और इधर गिद्ध ने कह दिया कि ऐसी पत्नी से विवाह करना चाहिए जो सौदागर की पत्नी के समान हो, तो राजा धर्म संकट में पड़ गया। गिद्ध अपनी चालाकी से उस राजा को रोकना चाहता था कि ये दाने की पुत्री के जाल में ना फंसे, परंतु राजा तो उस मोहपास में बंधा हुआ था और गिद्ध की बातों को सुनकर के एक दोराहे पर खड़ा हो गया, किधर जाया जाए। परंतु राजा था, कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का संयोग था, तो गिद्ध से कहने लगा कि हे गिद्ध, मुझे ये बता कि आखिरकार वो सौदागर की पत्नी कैसी थी, तुम जिसकी बड़ाई कर रहे हो, मैं ये सुनना चाहता हूं। मैं आज की रात तुम्हारे पास रुकूंगा, परंतु मुझे वो कथा सुनानी होगी। ये बात सुनकर के गिद्ध प्रसन्न हुए कि आखिरकार ये राजा आज की रात तो बच ही जाएगा, उस नारी के जाल में नहीं फंसेगा। तो गिद्ध कह रहा है कि हे राजन, ध्यान से सुनने की बात है, एक प्रसिद्ध नगरथा कुंडलपुर नाम था उसका। गिद्ध कह रहा है राजा तमरध्वज से कि हे राजन, ध्यान से सुनो। तब तक वो दो घड़ी का समय पूरा हो गया था, रात्रि होने को आ गई थी, कि एक कुंडलपुर नामक राज्य था और उसमें एक सौदागर रहा करता था। सौदागर का व्यापार देश विदेशों में चलता था, बड़ा पैसे वाला था। उसके सामने वहां के राजा महाराजा भी कम पैसे वाले दिखाई पड़ते थे। तो एक दिन की बात कि सौदागर की मृत्यु नजदीक आ गई, सौदागर मरणासन्न स्थिति में आ गया। सौदागर के एक अकेला पुत्र था। हे महाराज, मरते समय सौदागर ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जा रहा हूं, फिर कभी नहीं लौटूंगा, तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे, तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो ताकि जीवन में तुम्हें काम दें। ये बात सुनकर के वो आज्ञाकारी पुत्र जो सौदागर का पुत्र था कहने लगा कि कहो पिताजी, क्या बात है? कि बेटे, जीवन जीने के लिए मेरी पांच बातें याद रखना, जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। तो गिद्ध उस राजा से कहने लगा कि हे महाराज, सौदागर मरते समय अपने पुत्र से बोला कि बेटे, मेरी पांच बातें याद रखना। पहली बात है, तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना। दूसरी बात है, तुम रोज
भोजन में पुलाव ही खाना, और तीसरी बात तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर के आना, चौथी बात है अगर तुम्हें शराब पीनी है तो किसी टंकी से जो ज्यादा विशाल मात्रा में भरी हुई हो वहां से पीना, और पांचवी बात अगर तुम जुआ खेलना चाहते हो तो केवल होशियार जुआरियों के साथ ही जुआ खेलना। और ये कहने के बाद उस सौदागर का प्राणांत हो गया, उसके नेत्र सदा सदा के लिए मुद गए। अब तो उस सौदागर का पुत्र बड़ा दुखी हुआ, बड़ा रोया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। पिता की समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद, क्रियाएं संपन्न करने के बाद मन में विचार करने लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे 5 शिक्षा दी थी। हे राजन, गिद्ध कह रहा है कि अब उस लड़के ने उन शिक्षाओं का अर्थ गलत लगा लिया। वो अपने पिता की प्रत्येक बात को मानता था, लेकिन बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसने अपने पिता की बात को असली तरीके से नहीं समझा, उनके शब्दों के भावार्थ को नहीं समझा। तो पहली बात थी उसकी कि अपनी दुकान पर कभी जाएं तो धूप में मत जाना, तो वो उल्टा कर रहा है। उसने क्या किया, उसने दुकान तक का मार्ग था उसको कनातों से पटवा दिया। इसमें उसके बहुत सारे पैसे लग गए और उसको खुद को भी वह बेकार और बेवकूफी का काम लग रहा था। उसके पिता के ये उसे सलाह थी। उसके कुछ दोस्तों को शक हुआ कि वह पागल हो गया, जबकि कुछ दोस्तों ने कहा कि वो बहुत घमंडी हो गया है। खैर, उसने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह रास्ता बनवाकर पूरा कर दिया और रोज वह उसी रास्ते पर चलकर अपनी दुकान पर जाता रहा। पिता की दूसरी बात थी कि अपने रसोइये को हुक्म दिया कि मुझे खाने में प्रतिदिन पुलाव बनाया जाए, और जैसा उसके पिता ने कहा था वह रोज ही पुलाव खाता था। परंतु तीसरी बात उसके पिता ने जो कही थी कि हर हफ्ते में पत्नी को बदलना चाहिए, हर हफ्ते पत्नी बदलने वाली बात थी, वो भारी पड़ने लगी, क्योंकि प्रतिदिन पत्नी, प्रत्येक हफ्ते में पत्नी कहां से आए, उसको कैसे बदला जा सकता है। तो उसने अपनी जो विवाहित पत्नी थी उसको छोड़ दिया, उसका तलाक दे दिया, दूसरी पत्नी से विवाह किया। परंतु सभी को पता चल गया धीरे धीरे कि ये तो केवल 7 दिन पत्नियों को रखता है और उन्हें छोड़ देता है। फिर उसने, बड़ा सौदागर था, बड़ा पैसे वाला था, तो पैसे के बल पर स्त्रियों को खरीदने लग गया। 7 दिन रखता और उन्हें भगा देता, कोई ना कोई बहाना निकालता और उन्हें अपने यहां से छोड़ देता, और वो बेचारी अपना दुखमय जीवन जीती। उनमें से कुछ पत्नी बड़ी सुंदर थी, दयालु थी, साफ सुथरी और प्रेम करने लायक थी। उनको निकालने में भी उसको जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। उनको उसे उकसाना पड़ा और वे उससे गुस्सा हो जाएं, फिर उसी को, जो पत्नियां उससे गुस्सा होती, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके घर से बाहर निकाल देता। इस तरह उसने बेचारी अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर जब पत्नियां लाना मुश्किल हो गया, तो एक होशियार स्त्री ने सौदागर के बारे में सुना। उसने उनका असली मतलब समझकर उस नौजवान से शादी करने का विचार किया कि मैं करूंगी इस सौदागर से विवाह। वह सुंदर थी और होशियार भी थी, सो वह सौदागर से विवाह करके उसकी पत्नी बन गई। हे राजन, ध्यान से सुनिए, वह नौजवान सौदागर हालांकि उसको बराबर देखता रहा कि उसको घर से निकालने के लिए वह उसमें कोई दोष निकाले या उसे भगाए, परंतु वह पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार काम करती थी। वह अपने बोलने में, कपड़े पहनने में, व्यवहार में और जितने भी काम थे उनमें सावधानी बरतती थी। इस तरह उसको वहां 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7वें दिन सौदागर को उसे बाहर निकालना था। उसने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव बनाने के लिए कहा। उसका इरादा था कि
कि वह उस पुलाव के बारे में उसे असंतुष्ट हो जाएगा, कुछ कहेगा और दोनों में झगड़ा हो जाएगा और उस पत्नी को छोड़ देगा। देखिए श्रोताओं, उसकी पत्नी ने कहा कि वह शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव तैयार करके रखेगी। पत्नी भी इसके लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही वह बाहर गया तो उस पत्नी ने बड़ी चालाकी से काम लिया, बाजार से 2-3-4 तरह की मछलियां लेकर के आई। शाम को उसने उनको अलग अलग तरीके से पकाया, कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसालेदार, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को जब सौदागर घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्ला करके पूछा, क्या खाना तैयार है? तो वह स्त्री कहने लगी, हाँ जी तैयार है। हे राजन, गिद्ध कह रहा है। यह कहकर तुरंत ही उसने एक मीठी प्लेट, जो पुलाव मीठा था, उसको उसके सामने ला करके रख दिया। वह गुस्से में बोला, ओहो मुझे तो नमकीन पुलाव चाहिए। पत्नी बोली, मुझे मालूम था कि आपको नमकीन पुलाव भी चाहिए, सो मैंने नमकीन पुलाव भी तैयार कर दिया। यह कहकर उसने नमकीन पुलाव का थाल ला करके उस सौदागर के पास रख दिया। ठीक है ठीक है, पर मुझे तो ये वाली मछली ही नहीं चाहिए, मैं तो दूसरी किस्म की मछली खाता हूं। जब इतना सुना तो उसने दूसरी किस्म की, क्योंकि वो 3-4 तरीके की मछली लाई थी। अच्छा तो ये वाला पुलाव खाइए, कहकर उसने दूसरे किस्म की मछली वाला पुलाव उसके सामने लाकर के रख दिया। अपनी प्लेट आगे खिसकाते हुए सौदागर बोला, पर मेरा मतलब इस किस्म की मछली से नहीं था, इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। तब ये लीजिए, कहकर उसने पास में पड़ी एक गोबर की टोकरी, जो ढक्कन से ढकी हुई थी, उसके सामने रख दी। असल में उसे इतने सारे पुलाव बनाने में बहुत समय लग गया और वह गोबर की टोकरी को वहां से हटा नहीं सकी। सो उसने उसे एक दूसरी टोकरी से ढक दिया ताकि उसको, उसके पति को बुरा ना लगे। उसने वही टोकरी खोल करके उसके आगे रख दी। सौदागर अपनी सभी चालें चलकर हार गया। उसने अब उसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेटों में से कुछ खाना खाया और सोने चला गया, क्योंकि पत्नी को लड़कर के भगा नहीं सका। रात में उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अगले दिन वह उसके पिता के घर जाएगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे और तुम और हम दोनों सारे दिन वहां रहेंगे। सौदागर कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 8वां दिन है और मैं इसे इसके पिता के घर छोड़ के आ जाऊंगा। सो अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार हो गया। सौदागर अपनी पत्नी के मायके के जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी जब अपने गांव में पहुंची अपने पति को लेकर के, सौदागर को लेकर के, तो वहां जाकर के उसने अपने माता पिता से कहा कि यह व्यक्ति बेवकूफ है, परंतु मैं इसे मेरे हिसाब से मेंटेन कर लूंगी, इसको साध लूंगी, सुधार कर लूंगी। इसमें आप ऐसा करें, इनको खाने के लिए आज कुछ नहीं बनाएं, केवल पूरी बनाएं। जब ये बात माता पिता ने सुनी तो वो कहने लगे, तुम क्या कह रही हो पुत्री? कि नहीं पिताजी, केवल पूरियां ही बनानी है। देखिए श्रोताओं, उस सौदागर की पत्नी ने ऐसा ही किया, उन्होंने पूरी ही पूरी बनाई। कुछ घंटों के बाद वह अपने पति को एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको वहां बैठाकर उससे कहा कि वह वहां बैठ करके शाम के खाने का इंतजार करे, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतजार करता रहा, खाने का कोई पता ही नहीं लगा कि कब आने वाला है। आखिर उसको इतनी भूख लगी कि उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा, कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दीजिए। वह बोली, हाँ मैं अभी लाई, असल में हम लोग कुछ और मेहमान आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, जिनको यहां काफी पहले आ जाना चाहिए था, पर ना जाने वो मार्ग में कहां फंस गए और वो यहां तक अभी पहुंचे नहीं है। जैसे ही वो आ जाएंगे आपको खाना तैयार मिलेगा, पर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सौदागर कहने लगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुरंत ही खाने के लिए कुछ लाओ। अगर तुम्हारे माता पिता मुझे माफ करें तो मुझे उन लोगों के साथ खाने में भी कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है, पर अभी तो केवल पूरी बनी है,
खाने के लिए कुछ और है ही नहीं। अगर आप वह खाना पसंद करें तो मैं अभी उन्हें खाने के लिए ला देती हूं। पति बोला ठीक है वही ला दो। सो उसने उसको पूरी ला करके दे दी, जिन्हें उस सौदागर ने बड़ी खुशी से खाया। और जब वह पूरियां खा चुका था तो बोला, इस समय इन पूरियों का स्वाद तो पुलाव से कहीं ज्यादा अच्छा था, क्योंकि पुलाव को खाते खाते प्रतिदिन पुलाव खाता था तो उसका जो जी था वो मिचल गया था, कब्जी हो गई थी, पुलाव से ऊब चुका था। मौका देखकर के पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, आपने उनके कहे का मतलब गलत निकाला है। सौदागर कहने लगा, नहीं, मैंने उनके कहे का कोई मतलब गलत नहीं निकाला। उन्होंने मुझे 5 सलाहें दी थी, फिर उसने उसके पिता ने जो कुछ भी उसको बताया था, 5 सलाहें दी थी वो अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, तो इसीलिए आपने अपने घर से अपनी दुकान तक का जो रास्ता है वो ढक रखा है और रोज पुलाव खाया और हर हफ्ते एक नई लड़की से शादी की। क्या आप वाकई में इन बातों का अर्थ नहीं जानते कि एक पल के लिए आपकी समझ में कुछ आया भी नहीं? आपके पिता आपको कुछ अलग समझाना चाहते थे। इस तरह जीने का रास्ता तो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और शहर में कोई भी आपको इज्जत नहीं करेगा, कोई भी स्त्री आपसे विवाह नहीं करेगी। ये बात सुनकर के सौदागर कहने लगा कि तुम क्या कह रही हो? कि हां मैं सत्य कह रही हूं। तो गिद्ध कह रहा है कि हे राजन, वह सौदागर की परम चतुर पत्नी कहने लगी कि हे सौदागर मेरी बात सुने, जब आपके पिता ने आपको सलाह दी थी कि आप घर से अपनी दुकान पर जाएं तो छाया में जाना, तो उनका मतलब यह नहीं था कि आप उस दुकान का मार्ग पटवा दें, उस दुकान के मार्ग को ढक दें। उनका मतलब यह था कि यदि आप अमीर और पैसे वाले बनना चाहते हैं, सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर आएं। यह था उसका अर्थ, यह नहीं कि तुमने तो वो पूरा मार्ग पटवा दिया। और जब उन्होंने आपसे यह कहा कि आप रोज पुलाव खाएं, तो उनका मतलब यह नहीं था कि आप रोजाना मछलियों का पुलाव खाएं, उनका मतलब यह था कि खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से आपकी भूख संतुष्ट हो जाए, आपको कब्जी ना हो, आप हमेशा प्रसन्न रहें, भोजन आपको नुकसान ना करें। परंतु आप तो पुलाव खा खा करके बीमार होने वाले हैं, आपने इस बात का अर्थ भी गलत लगाया। और वो पत्नी बोली, हे राजन ध्यान से सुनो। वो पत्नी कहने लगी कि जब उन्होंने आपसे कहा था कि हर हफ्ते नई शादी करनी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि आप अपनी पत्नी के पास ज्यादा ना लगे रहें, उसी के पास ना बैठे रहें, पत्नी में ही आसक्त नहीं हो जाएं, उससे कुछ दूरी पर रहें, उससे कुछ दूरी बनाकर रहें, उसको सारा भेद ना दें ताकि वो आपसे डरती रहे। और आपकी वो पत्नी, जब आप अपनी पत्नी को हफ्ते में केवल एक बार ही मिलेंगे, तो वो आप में कुछ नया देखेगी, आपका स्वागत करेगी, आपका सम्मान करेगी, और जब आप उसी के पास उसी में आसक्त हो जाएंगे तो आपका मान सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, सौदागर ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो सौदागर कहने लगा, ओहो परम सुंदरी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, बड़े अफसोस की बात, मैं अब तक क्या करता रहा, मैंने कितनी बेवकूफी की। ओहो पिताजी, मैंने आपको कितना गलत समझा। कहने लगा, हे प्रिय, तुम बहुत होशियार हो, तुमने मुझे जीवन जीने के मार्ग पर ला दिया, अब मेरी जिंदगी हंसी खुशी बीतेगी, अपनी गलतियों का फल मिल चुका है, पर तुमने मुझे उनकी कही हुई दूसरी बातों का मतलब नहीं समझाया ताकि मुझे पता चल सके उनके बारे में मैं क्या करूं। पत्नी बोली, मैं आपको बता दूंगी, पर अभी तो आप चलकर मेरे पिता से विदा लीजिए। देखिए श्रोताओं, उन्होंने
विदा ली और विदा लेकर के वो वापस लौट रहे थे तो एक जुआ घर पड़ा और उस जुआ घर में वो जो सौदागर की पत्नी थी वो घुस गई। वहां उसने अपने पति को हर मेज पर होती हुई चालाकियां और नीचता समझाई कि देखिए ये कितना नीच खेल है। फिर वह बोली, इनकी इस हालत पर जरा ध्यान दीजिए और इनसे सावधान रहिए। आपके पिता ये चाहते थे कि आप ये सब देखें और फिर ऐसी हालत में ना पड़े। यही तो कहा था आपके पिता ने कि जब जुआ खेलें तो होशियार जुआरियों के साथ खेलें। इसका मतलब उन्हें देखें, उनको समझें कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। और तुमने उसका गलत अर्थ लगा लिया। कहने लगा कि हे राजन, अब तो सौदागर की समझ में पत्नी की चौथी बात भी आ गई। सौदागर और उसकी पत्नी आगे बढ़े तो उन्होंने एक शराब की दुकान देखी और वहां शराब बनाने का एक बहुत बड़ा टैंकर रखा हुआ था। वह फिर उसको उसी शराब की दुकान पर ले गई जहां बड़ी टंकी रखी थी। वहां उसने शराब की एक बड़ी टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसको चल करके देखो, वहां से जी भर के शराब पियो। सो उसने एक सीढ़ी ली और उस टंकी की तरफ गया। उसमें इतनी महक आ रही थी कि वहां शराब पीना तो दूर, वहां खड़ा होना भी संभव नहीं था। उसके जो बनाने का तरीका था कितना गंदा था। उसको देख करके सौदागर नीचे उतर आया, कहने लगा कि मैं ये शराब नहीं पी सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारे पिताजी का यही मतलब था, यही तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे बड़ी टंकी से शराब पीने के लिए कहा था ताकि तुम समझ जाएं और जीवन में शराब का सेवन ना करें। ये पांचों बात समझ करके सौदागर कहने लगा, ओह प्रिय, तुमने तो मेरा जीवन प्रसन्न कर दिया। वाकई में मेरी जिंदगी में चार चांद लगा दिए। अब मेरी समझ में आया, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे समझा दिया, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने ना जाने कितनी पत्नियों को छोड़ दिया, कितनी स्त्रियों को घर से भगा दिया, कितना धन बर्बाद कर दिया। तो उस अपनी पत्नी के समझाने से, उसकी बुद्धिमानी से, उसकी पांचों बातों के जवाब से सौदागर का जीवन प्रसन्न हो गया। तो गिद्ध कहने लगा कि हे महाराज, यदि तुमको ऐसी पत्नी मिल जाए जो तुम्हारी प्रत्येक बात का अर्थ बता सके तो तुम विवाह करना, अन्यथा किसी धर्म संकट में फंस करके अपना जीवन नष्ट मत करना। और तब तक प्रातःकाल हो जाता है। गिद्ध ने जब ये बात कही तो बात कहने में उसे धीरे धीरे कहा, क्योंकि गिद्ध तो समय निकालना चाहता था कि रात्रि में जाकर के ये राजा उस राक्षसी के जाल में ना फंसे। और तब तक प्रातःकाल हो गया। श्रोताओं, राजा रुक जाता है। इस तरीके से गिद्ध राजा को ये 17 कहानियां हैं, 17 कहानी सुनाएगा और उन कहानियों को मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। 17 रात्रियों के बाद राजा वापस अपने घर लौटेगा। तो अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कि अगली कहानी गिद्ध ने राजा से क्या सुनाई थी। तो तब तक के लिए आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।